हाय गाइस, मेरा नाम कुशल है। मैं आईसर भोपाल में फैकल्टी हूँ और मैं ये एनपीटेल पे सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स ऑफर करने जा रहा हूँ हिंदी में। तो इसमें जो एक्सप्लेनेशंस होंगे वो हिंदी में होंगे, पर जो टेक्निकल टर्म्स यूज़ होंगे वो इंग्लिश के ही होंगे, क्योंकि उसकी जानकारी भी बहुत ज़रूरी है। इस कोर्स को हिंदी में ऑफर करने का कारण ये है कि कई स्टूडेंट्स होते हैं, स्पेशली यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह से, जो कि वैसे तो बहुत स्मार्ट होते हैं, पर उनमें इंग्लिश का जो प्रैक्टिस होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है। तो उनको इंग्लिश में कोर्सेज समझने में थोड़ी दिक्कत आती है कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में। तो इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं ये कोर्स हिंदी में ऑफर करूँगा। और जैसा कि इस कोर्स का नाम है सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, तो इस कोर्स में हम मेनली दो चीज़ों पर फोकस करेंगे, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। तो सिग्नल क्या होता है? सिग्नल होता है बेसिकली अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे भेजते हैं। जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको इस कोर्स के बारे में बता रहा हूँ, तो मेरे मुंह में से जो ऑडियो सिग्नल है वो निकल के कैमरा तक जा रहा है और फिर आप इसे अपने कंप्यूटर पे या मोबाइल पे चला रहे हैं और वहाँ से फिर से ऑडियो सिग्नल और वीडियो सिग्नल आपके कानों तक और आपकी आंखों तक आ रहा है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिग्नल। और सिस्टम क्या होता है? ये जो प्रोसेस हो रहा है सिग्नल, ये अलग अलग उपकरणों या अलग अलग डिवाइसेस के थ्रू जो जा रहा है, तो वो डिवाइसेस उसको प्रोसेस करके आप तक इस सिग्नल को पहुंचा रही है, तो वो होता है सिस्टम। तो इसके एग्जांपल्स क्या है? जैसे कि अभी अभी मैंने बताया कैमरा, जिससे मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो एक तरह का सिस्टम है जो सिग्नल को प्रोसेस कर रहा है। फिर म्यूजिक आप जैसे सुनते हैं, आजकल आपने सुना होगा ऑटो ट्यूनर के बारे में, जो कि एक बहुत ही एवरेज सिंगर को भी बहुत अच्छा सिंगर बना सकती है बाय यूज ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग। फिर हमारा ह्यूमन बॉडी भी होता है, जिसमें अलग अलग सेंस ऑर्गन्स हैं जो कि एनवायरनमेंट से अलग अलग तरह के सिग्नल्स लेते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं हमारे सिस्टम के अंदर और उससे फिर कुछ अलग अलग तरीके के इन्फ्रेंसेस निकालते हैं। फिर हमारा नेशनल सिक्योरिटी रेडार बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉर्डर पे, ये जानने के लिए कि हमारे ऊपर किसी ने अटैक तो नहीं कर दिया या फिर कुछ और नेगेटिव गतिविधियाँ अगर हो रही हैं कहीं पर, तो उसको जानने के लिए भी सिग्नल प्रोसेसिंग और सिस्टम्स का बहुत इस्तेमाल होता है। तो ये जो सिग्नल एंड सिस्टम्स कोर्स है, ये एक बहुत ही फंडामेंटल कोर्स है, स्पेशली जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आगे चल के जो इसको परस्यू करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी कोर्स है। तो इसमें हम अलग अलग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हम सीखेंगे, जिससे हम सिग्नल्स और सिस्टम्स को एनालाइज कर सकें और साथ ही साथ हम इसके प्रैक्टिकल आउटकम्स भी देखेंगे कि इसको आप किस तरीके से प्रैक्टिकल सिस्टम्स डिज़ाइन करने में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये कोर्स आपके लिए बहुत उपयोगी होगा और इस कोर्स को करने के बाद में आपके जो सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद।